हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो आपके आरओवीआरओ के जो प्रीलिम्स में जो सेक्शन बी है या पार्ट सेकंड है, जिसमें आपका रीजनिंग और मैथ्स है, उसको लेके मैं वीडियो बनाऊंगा। अब ये वीडियो अभी से एक बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, आप में से जो स्टूडेंट किसके हैं, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने बीए का रखा है, बीकॉम का रखा है, या आपका बीएससी एग्रीकल्चर सीबीजेड है, अधिकतर मैंने पढ़ाते में ये देखा है कि उनका जो मैथ्स और रीजनिंग तो फिर भी सही होता है, लेकिन मैथ्स और का जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत क्या होता है, वीक होता है। कुछ का अच्छा भी होता है, लेकिन अधिकतर लोग का मैंने देखा है जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनका थोड़ा वीक होता है। अभी जो ये आरएआरओ का जो नया आपका एग्ज़ाम का इन्होंने पैटर्न दे रखा है कि भाई 100 क्वेश्चन जीएस के हैं और जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के हैं, तो इसमें जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो आपका सेक्शन बी है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, 50 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 50 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 दे रखा है, यानी कि एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है। ये लोग जो बीटेक हैं या एसएससी हैं की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, ये इनका स्कोर 50 में से 30 प्लस या कई बार आपका 35 प्लस, और कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है 40 प्लस में रहता है, ठीक है, 30 प्लस और 35 प्लस या 40 प्लस में रहता है। दूसरी तरफ जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, यानी कि जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट हो गए या बीकॉम बीए के हो गए, इनका जो स्कोर रहता है 50 में से वो आपका 25 प्लस में या 20 प्लस में भी होता है, या कई होकर 30 तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो आप एक सेफ साइड लेके चाहिए कि आपको हर हालत में 30 तक क्वेश्चन आपको करके आने हैं 50 में से। जैसे कि आपको पता ही है कि आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है, यानी कि आपको 120 मिनट मिलेंगे, ठीक है। अब इस 120 मिनट में आपको अपने 100 जीएस के क्वेश्चन भी करने हैं, और इसी 120 मिनट में आपको अपने रीजनिंग और मैथ्स के आपके 50 क्वेश्चन भी करने हैं। तो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि पूरा आप क्या करें, कोशिश करें कि 40 से लेकर, ठीक है, 50 मिनट के अंदर आप अपना ये 100 जीएस के क्वेश्चन कर लें, आराम से हो जाता है। और साथ में इसको क्या कर देना, अपनी आंसर शीट में टिक भी कर देना, और पूरा अपना 1 घंटा 10 मिनट यानी कि 90 मिनट जो हैं वो आप किसको देना, अपने इन 50 क्वेश्चन के लिए देना। क्योंकि जो इधर वाले स्टूडेंट हैं बीटेक वाले, उनका बहुत अच्छा मैथ्स में अच्छा हाथ होता है, जो फिर से बोला मैंने कि जो बैंक पी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो यही क्वेश्चन जो 50 हैं वो कई बार आधे घंटे या 35 मिनट में या ज़्यादा 40 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज अब दोनों का आप निकालेंगे कि भाई यहाँ से आप 30 प्लस करके आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप कितना 100 में से 70 प्लस भी कर लें तो आराम से आपका नाम जो है मेंस के लिए आ सकता है, ठीक, क्योंकि 20 मैंने रखा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका चीज़ है। अब अगर हम बात करें कि जो आपका सिलेबस दे रखा है ये 50 क्वेश्चन में क्या क्या है, ठीक है, तो देखेंगे अगर आप लोग तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चन ऑन द जनरल इंटेलिजेंस विल कवर बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइम, ठीक है। तो एक चीज़ आपका वर्बल और नॉन वर्बल की आएगी, रीजनिंग आएगी। फिर उसको और थोड़ा इन्होंने आगे लिखा है कि इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे आएंगे, एनालॉजीज़ के हो गए, सिमिलैरिटीज़ के हो गए, डिफरेंस के हो गए, स्पेस रिलाइजेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, एनालिसिस हो गई, जजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, विजुअल मेमोरीज हो गई, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमैटिक रीजनिंग हो गई, ठीक है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, अर्थमैटिकल नंबर सिस्टम हो गया आपका, ठीक। तो आप कह सकते हो कि मेन तौर से ये पूरा का पूरा जो है यहाँ तक का, यहाँ से शुरू करते हो, ये क्या हो गया आपका, रीजनिंग का पार्ट हो गया। और फिर द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट एबिलिटी टू डील विद द एब्स्ट्रैक्ट्स, आइडियाज, सिंबल्स, रिलेशनशिप, अर्थमैटिक कंप्यूटेशन, ठीक है। तो ये वाला आप कह सकते हो आपका पूरा मैथ्स का पार्ट हो गया। तो अभी तक इन्होंने क्लियर तो किया नहीं है कि 50 में से कितने क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और कितने क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, पर हम ये मान के चलते हैं। और अगर आप लोअर पीसीएस का पिछले साल का पेपर उठा के देखें तो रीजनिंग के थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा थे, मैथ्स के रेशो कम था। तो अब मैं तो यही चाहूँगा कि रीजनिंग के अगर आपके यहाँ पे कितने 30 प्लस में क्वेश्चन आ जाए, प्लस माइनस हो सकता है, और यहीं पे मैथ्स के आपके 20 प्लस में क्वेश्चन आ जाए तो भी आप फायदे में रहेंगे, ठीक है। बट अपनी एक्यूरेसी, अपनी स्पीड को अभी से बढ़ाना शुरू करो,
18 जून को आपका प्रीलिम्स है, तो अभी भी आपके पास मोटे मोटे तौर से अप्रैल मई जून दो महीने हैं, 60 दिन हैं, अपनी स्पीड को क्या करो, तेज़ करो। अब अगर हम बात करें कि इसी को जो इन्होंने दे रखे हैं, इसी को इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपका क्लॉक के क्वेश्चन हो गए, कैलेंडर डाइज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, पेयर्स ऑफ अल्फाबेट, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, इनको तो आपको ऑर्डर वाइज ऐसे ख़त्म करना है। वेन डायग्राम से एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे, कोर्स ऑफ एक्शन जो है ज़्यादातर आपके अपर पीसीएस में आने के चांसेस है, सिलोजिज्म आपका आ सकता है, एजम्पशन भी आपका अपर पीसीएस में आ सकता है, डिसीजन मेकिंग भी आपका अपर पीसीएस में आएगा, डाटा से ये आपका आ सकता है इसमें, ठीक है। फिर पजल के चांसेस कम है आपके, कोर्स सीरीज, मिक्स सीरीज, ये आने के पूरे चांसेस हैं, और इसके भी मैथमेटिकल के बहुत कम चांसेस है। तो सबसे पहले इस सीरीज को, ये वाली सीरीज को ख़त्म करना, उसके बाद वेन डायग्राम ख़त्म करना, और फिर उसके बाद सीरीज को ख़त्म करना। अब इसके लिए बच्चों सबसे बेस्ट बुक अगर मार्केट में समय है तो वो है आपकी हमारे डॉक्टर आर एस अग्रवाल एस चांद पब्लिकेशन की वर्बल रीजनिंग, ठीक है। और इसी में अगर दूसरी बुक भी देखें तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आपको मिल जाएंगे। इसका मैं इमेज रखिए, पर मार्केट में दोनों किताबें, मतलब डॉक्टर आर एस अग्रवाल की एक ही किताब है जिसमें वर्बल रीजनिंग भी है और नॉन वर्बल रीजनिंग भी है। तो स्पेशली बच्चों जो आप में से नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, प्लीज़ अभी से अपने जीएस को, सॉरी मैथ्स रीजनिंग और मैथ्स को बिल्कुल परफेक्ट करो कि हर हालत में आप पार्ट बी में 50 में से 30 प्लस लेके आओ कि आप जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके साथ भी कम्पटीट कर सको। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि ज़्यादातर मेंस में ऐसे बच्चे वो पहुँचते हैं जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड्स के होते हैं, बीटेक स्टूडेंट्स होते हैं, बैंक पीओ क्लरिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, और फिर मेंस में क्या होता है, फिर जीएस कितनी भी आप तगड़ी दे दो, जब सारे बच्चे एक एवरेज करेंगे तो कंपटीशन अपने आप क्या हो जाता है, जीएस के पॉइंट से भी कम हो जाता है, फिर मेरिट थोड़ी सी नीचे जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं या तो मैथ्स लेके आऊँगा या तो जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है वो लेकर आऊँगा।